इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अंशु एचटीओ सिटी 10 एकड़ में फैला पहला दिल्ली एनसीआर बेस्ड टाउनशिप अब शिवाला पट्टा में अंशु होम सच करे आपके सपने। नमस्कार, बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक कुमार। हिंदी पत्रकारिता की यात्रा ने 191 साल पूरे कर लिए। आज देश भर में हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जा रहा है, मगर इन 191 सालों में पत्रकारिता काफी हद तक बदल गई। पहले जिस पत्रकारिता को मिशन माना जा रहा था, आज हर वर्ग के लिए पत्रकारिता का अलग मतलब बन गया है। मीडिया ने आज भले ही सारे विश्व में अपनी एक खास पहचान बना ली है, लेकिन पत्रकारिता के मूल उद्देश्य कहीं ना कहीं अपनी जमीन तलाश रहे हैं। बड़ी खबर में कुछ वरिष्ठ पत्रकारों के साथ आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हिंदी पत्रकारिता आज अपना 191वां जन्मदिन मना रही है। इतने लंबे समय में हिंदी पत्रकारिता में कई बदलाव आए, पत्रकारिता को कई दौर से गुजरना पड़ा। आइए आपको इस सफर पर ले चलते हैं। सालों से हिंदी पत्रकारिता देश की आजादी से लेकर साधारण इंसान के अधिकारों की लड़ाई अपनी मातृभाषा की कलम से लड़ती आ रही है। वक्त बदलता रहा और पत्रकारिता के मायने और उद्देश्य भी बदलते रहे, लेकिन देश के चौथे स्तंभ के नाते हिंदी पत्रकारिता की छवि आज भी लोगों के बीच जीवंत है। ये छवि बदलती भी क्यों? हिंदी पत्रकारिता ने समाज के अपने अक्स को ही खुद में उतारा और उभारा है। एक स्थान पर बैठे बैठे ही संसार की सैर भी पत्रकारिता ने ही दुनिया को करवाई, और देश विदेश की उफनती नब्ज से लेकर दहकते मुद्दों और तमाम तरह की नवीनतम जानकारियों को जुटाकर अपने पाठकों के सामने पेश भी किया। एक कलम और उसके पहरेदारों ने पत्रकारिता के अब तक के इस सफर में खास भूमिका निभाई। आज के दौर में मीडिया इंटरनेट के जरिए जो वैश्वीकरण हुआ है, निश्चित रूप से पत्रकारिता को अमरत्व प्रदान कर रहा है, लेकिन अब उस कलम की जगह कीबोर्ड ने ले ली है, पेपर की जगह कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन ने ले ली है। भले ही कुछ न बदला हो, भले ही सब कुछ आगे बढ़ रहा हो, इस दौड़ की शुरुआत साल 1826 में हुई थी, जब पंडित युगल किशोर शुक्ल ने पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मारतंड का प्रकाशन आरंभ किया था। तब से लेकर अब तक हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। इस तिथि को हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत बंगाल से हुई थी, जिसका श्रेय राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। हिंदी पत्रकारिता ने एक लंबा सफर तय किया है, जब पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने उदंत मारतंड को रूप दिया, तब किसी ने यह कल्पना नहीं की थी कि हिंदी पत्रकारिता इतना लंबा सफर तय करेगी। जुगल किशोर शुक्ल ने काफी दिनों तक उदंत मारतंड को चलाया और पत्रकारिता करते रहे, लेकिन आगे के दिनों में उदंत मारतंड को बंद करना पड़ा था। इसके पीछे वजह साफ थी, पंडित जुगल किशोर के पास उसे चलाने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। शायद यही वजह है कि समय के साथ साथ पत्रकारिता के उद्देश्य में भी बदलाव आता चला गया। आज के समय में समाचार पत्र और समाचार चैनल एक बहुत बड़ा व्यवसाय बन चुके हैं। वर्तमान में बहुत से लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में पैसा लगा रहे हैं, ये एक बड़ा कारोबार बन गया है। 191 वर्षों में पत्रकारिता के क्षेत्र में काफी तेजी आई है, साक्षरता बढ़ी है, पंचायत स्तर तक राजनीतिक चेतना आई है। हिंदी पत्रकारिता के उद्देश्यों में कितने ही बदलाव क्यों न आए हों, लेकिन न्यूज इंडिया आज भी जन सरोकार की बात करता है।
यहाँ आज भी जनता से जुड़े मुद्दों को बिना किसी दबाव में आए पूरी सत्यता और निष्पक्षता के साथ दिखाया जाता है। हम आज भी पत्रकारिता के मूल उद्देश्य से जुड़े हुए हैं और आगे भी यूं ही जनहित के मुद्दों पर खादी से लेकर खाकी तक सभी से सवाल पूछते रहेंगे। हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर न्यूज इंडिया अपने संकल्प को फिर से दोहराता है। स्पेशल डेस्क से अंकुर जाकर, न्यूज इंडिया। चलिए तो इसी सफर पर हम बात करेंगे कि हम जिस शुरुआत की बात कर रहे हैं और अभी के जो हालात हैं इसमें क्या कुछ बदलाव आया है, हमने कितना बेहतर किया है या फिर इसमें अभी कितनी गुंजाइश बाकी है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ चैनल हेड मनमोहन सिंह राजपूत जी जुड़े हुए हैं, हमारे रेजिडेंट एडिटर कौशलेंद्र प्रियदर्शी जुड़े हुए हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार इरशाद उल हक जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले मनमोहन जी आपके पास आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये मिशन जो मार्केट में चला गया है क्या अब वही रह गया है जिस सोच के साथ शुरुआत की गई थी? दीपक, मिशन की बात करें तो देखिए, मिशन अब वो मिशन नहीं रहा। मिशन जहां तक हमने बताया कि अब पंचायत सरकार साक्षरता के ऊपर दिन पहुंची, साक्षरता लोगों में आई है, लेकिन हिंदी पत्रकारिता दिवस को जैसे 191 वर्षों की हुई हो चुकी है, उसी भारत को पहले बता, उससे पीछे हम जाते हैं, गुलाम भारत के भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों का, पंडित मदन मोहन जैसे समाज निर्माताओं का, या महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे अनेक राजनीतिक नेताओं, इन सब में से अपने आप में समानता पार्टी में आए होंगे, लेकिन इन सब में एक न एक कहीं ना कहीं पत्रकारिता और पत्रकार छुपा होता है। संपादन या लेखन से सब जुड़े रहे, आजादी के महानायक कलम के सिपाही होने का गौरव प्राप्त कर चुके हैं। आज 191 वर्ष पत्रकारिता को भी हो चुके हैं। हम उसी उपलक्ष्य में हमने न्यूज इंडिया में हमने एक शब्द को उठाया, 91 वर्ष के पत्रकारिता। हम बधाई देते हैं उन पत्रकारों को जो उस समय से लेकर आज भी जुड़े, लेकिन अब सरोकार की पत्रकारिता नहीं होती दीपक, चौथे स्तंभ पर हम जरूर है, कहीं ना कहीं व्यावसायिकता के मामले से हम जुड़ चुके हैं और व्यवसायी पत्रकारों को कहीं ना कहीं खराब कर रहे हैं दीपक जी। कौशलेंद्र जी के पास चलते हैं। कौशलेंद्र जी, क्या कुछ लगता है कि करने की चाहत होती है पर वो चाहत पूरी नहीं होती है, उसके बीच में कई तरह की वजहें उभर आती है जो उस वक्त नहीं हुआ करती थी जब ये मिशन था और लोग इसे मिशन की तरह मानते थे? देखिए, जो वक्त था हिंदी पत्रकारिता के लिए, मैं बार बार इस चीज को कहा करता हूं दीपक, कि सवाल इसका रहा है कि जब आजादी के समय भी पत्रकारिता दो भागों में विभक्त था और आज भी कमोबेश स्थिति यही है, और संभवतः आज जो व्यवसायीकरण की बात है तो मैं बता दूं कि इसे लेकर के एनआरकी में दिनकर ने एक बड़ा ही कटाक्ष किया है विज्ञापनदाताओं पे और उस समय के अखबारों पर, कि अखबार मुक्त हैं विज्ञापनदाताओं के मर्म को छुपाने को। तो ये सवाल इसका है कि हम उस समय से ही 90 के बाद का जो दौर रहा, हमें भूमंडलीकरण के दौर में हम कुछ ज्यादा हिंदी पत्रकारिता या पत्रकारिता ज्यादा व्यवसायीकरण के से बंध गया और उसका परिणाम हमें भी झेलना पड़ता है। तमाम चीजों को, तमाम जो पत्रकार हैं या हाउस हैं जो चल रहा है उसे भी झेलना पड़ रहा है। हाउस अपने हिसाब से, आपको आश्चर्य होगा मुझे कहते हुए आज बड़ा ये लग रहा है कि 12 रुपया आज भी आप देखिएगा कि जो पत्रकार हैं, जो हिंदुस्तान और बड़े बड़े अखबार के पत्रकार हैं और जो सुदूर देहात से खबरों को भेजते हैं मेहनत करके, उनका कॉलम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उन्हें 12 रुपया ही दिया जाता है। तो ये सवाल है, पत्रकारिता और पत्रकार दोनों अपने अपने जगह चल रहे हैं, लेकिन जो व्यवसायीकरण है वहां पत्रकारिता आकर के स्थिर खड़ा। मैं एक बड़े अखबार का नाम नहीं लेना चाहता, किसानों को लेकर के महाराष्ट्र में उसके रिपोर्टर ने एक रिपोर्ट लिखी, क्योंकि महाराष्ट्र में किसान ज्यादा आत्महत्या करते हैं। जब वो रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट में कहीं ना कहीं भू आती है कि ये सरकार के खिलाफ है, तो वो संपादक के पास नहीं जाता है, वो उस हाउस के जीएम के पास जाता है जो मार्केटिंग देखते हैं। तो उन्हें लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं सरकारी विज्ञापन जो है हमें नहीं मिलेगा, तो उस स्थिति में उस रिपोर्ट को गिरा दिया जाता है, उस रिपोर्ट को बाहर कर दिया जाता है और रिपोर्ट नहीं छपती है। दूसरे दिन पत्रकार जो है वो सवाल खड़ा करता है संपादक से कि मैंने इस संबंध में जो रिपोर्ट दी आपको, आपने उसे नहीं डाला,
तो वो चुप्पी साध लिए और पत्रकार वहां से फिर चलते बनता है। जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ और मेहमान भी हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं फिर एक एक कर सबके पास लौटेंगे। हमारे साथ बीबीसी हैं वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं और सुरेंद्र प्रताप सिंह पत्रकारिता एवं जनसंचार संस्थान के महानिदेशक डॉक्टर उत्तम कुमार सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल इरशादुल जी के पास चलते हैं। इरशादुल जी, जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं और जिसे आधार बना रहे हैं कि हमारी पत्रकारिता उस तरह की होनी चाहिए, उस वक्त एक मिशन था समाज में बेहतरी के लिए सुधार करने का, आज़ादी भी एक लक्ष्य था पत्रकारों का कि हम जनजागृति लाएं आज़ादी को लेकर और एक मूवमेंट बनाएं। क्या एक मिशन की कमी अभी महसूस हो रही है जिसकी वजह से ये बाजारवाद हावी हो रहा है इस क्षेत्र में? देखिए, ये बड़ा कठिन प्रश्न है और पत्रकारिता पर जब भी हम बहस करते हैं तो इस तरह के मुद्दों को जब भी हम उठाते हैं तो हमको कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ ध्यान रखते हुए इन सब बातों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। जब भी हम ये बात करते हैं कि आजादी के पहले या आजादी के संघर्षों में या आजादी के आंदोलन में जो पत्रकारिता की जाती थी वह एक मिशन के तौर पे पत्रकारिता चलती थी, निश्चित तौर पे वो मिशनरी पत्रकारिता थी और जिसका उद्देश्य सिर्फ यह था कि इस देश को स्वतंत्र कैसे कराया जाए जी। लेकिन सवाल यह है कि जब अभी दीपक जी आप बता रहे थे कि 193 या 192 साल जब हो गया हिंदी पत्रकारिता का, तो इस 93 साल का जो सफर है, इस सफर में चलते हुए 2-3 मौलिक बातों पे ध्यान देने की जरूरत है जी। एक बिल्कुल साधारण सा मेरा प्रश्न है कि कोई भी अखबार जो मूल्य के रूप में 30 एक उत्पाद के रूप में 30-40 रुपए में बाजार में आता है और वो 3-4 रुपए में पाठकों के घर तक पहुंचाया जाता है, तो ये व्यवसायीकरण की जो बात अभी हम लोग कर रहे थे, व्यवसायीकरण तो है और ये व्यवसाय निश्चित तौर पे है, लेकिन ये इतना खतरनाक व्यवसाय है जिसमें आप अपने उत्पाद को 40 रुपए के उत्पाद को 4 रुपए में पाठकों तक पहुंचाते हैं। तो जब भी हम पत्रकारिता पे बात करें तो इसके इस पक्ष को इग्नोर नहीं कर सकते हैं जी। दूसरी बात जो अभी कौशलेंद्र जी ने बड़ी संवेदनशील बात उठाई कि कैसे एक पत्रकार रिपोर्ट करता है और वह जो है मीडिया के मालिकों को सूट नहीं करता है तो वो उसको नहीं छापते हैं, इसमें जो है सो सबसे बड़ी बात है कि संतुलन कैसे बनाई जाए। पत्रकारिता की एक सीमा तो वह है कि हम समाज के निर्माण के लिए पत्रकारिता करते हैं जी। समाज के निर्माण के लिए पत्रकारिता तो तब होगी जब पत्रकारिता बची रहेगी, और पत्रकारिता जब व्यवसाय है तो हम अपने उत्पाद को या तो मुफ्त में लोगों तक पहुंचाते हैं या फिर हम उस उत्पाद को नुकसान उठा करके आर्थिक नुकसान उठा करके लोगों तक पहुँचाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार की क्या भूमिका है, समाज की क्या भूमिका है और खुद पत्रकारिता के घरानों की क्या भूमिका है और पत्रकार की क्या भूमिका है, ये एक बड़ी संवेदनशील प्रश्न हो जाता है। बिल्कुल, और इसका थोड़ा सा हम मीडिया जाहिर तौर पर गंभीरता से चिंतन किए जाने की आवश्यकता है। डॉक्टर उत्तम कुमार सिंह जी के पास चलते हैं। उत्तम जी, संस्थान का नाम सुरेंद्र प्रताप सिंह, एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर जो उस वक्त के लिए लैंडमार्क कहे जा सकते हैं जब भारत संचार की दुनिया में क्रांति का सामना कर रहा था, काफी व्यापक तौर पर प्रचार प्रसार आने वाले वक्तों में देखा गया इस क्षेत्र में। आपने नई पीढ़ी को भी इस क्षेत्र के लिए तैयार होते और फिर इस क्षेत्र में काम करते देखा है, किस तरह का बदलाव महसूस कर रहे हैं और किस तरह का दबाव देख रहे हैं? जो आज की सार्थक बातचीत आप लोगों की हो रही है जी, और एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात हो रही है, पत्रकारिता संपूर्ण समाज को एक नई दिशा देने का काम करता रहा है, आज भी कर रहा है जी। जो व्यवसायीकरण की बात कही जा रही है, अभी अभी हमारे पूर्व वक्ता ने बड़ी अच्छी बात कही जो व्यवहारिक पक्ष को दर्शाता है कि 40 रुपये का छपा हुआ अखबार को 4 रुपये में जन जन तक पहुंचाना एक बड़ा ही कठिन मैनेजमेंट का टास्क कहा जा सकता है जी। तो हमारा ये मानना है कि व्यवसायीकरण अगर हो रहा है मीडिया का, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे वो आप प्रिंट मीडिया हो, तो उसमें कोई दिक्कत हमको नजर नहीं आ रही है, वो तो होना ही है। जब संपूर्ण समाज और सरकार जब खुद व्यवसायीकरण पर ये टिका हुआ है, वोट लेने की राजनीति से लेकर के और गद्दी कुर्सी पाने तक सब जगह व्यवसायी नजर आ रहा है, तो मीडिया को उससे बिल्कुल अलग करके देखना संभव नहीं है कि सभी ये तो हो गई कि
पूरे लंका में एक विभीषण मात्र आदमी नजर आवे जो राम राम कहे, तो मीडिया को हम कैसे उससे अक्षुण्ण रख सकते हैं कि वो व्यवसाय और मार्केट की बात को ना देखे। लेकिन संभावना जो हम देख रहे हैं वो ये है कि एडवर्टीजमेंट लेने के लिए और मीडिया में प्रचार प्रसार हो, उससे रेवेन्यू जनरेशन हो, यह सोच अगर अखबार के मैनेजमेंट का है तो इसमें कोई गलत बात मुझे तो नजर नहीं आती है। लेकिन जो अन्य पक्ष इसका सबसे महत्वपूर्ण है कि कितना स्पेस हम एडवर्टीजमेंट को दें और कितना स्पेस हम मीडिया के अनकंटेंट को दें, तो ये बात अगर निर्धारित हो जाए तो मैं समझता हूँ कि एक समन्वय स्थापित हो सकता है। अभी ये हो रहा है कि फर्स्ट पेज से लेकर के 16 पेज के अखबार में 8 पन्ने, 10 पन्ने, 12 पन्ने भी आवश्यकता अनुकूल व्यावसायिक प्रचारों से भरा पटा हुआ है, तो फिर कुछ कंटेंट नहीं मिलता है। और साहित्य और संस्कृति, कला, ये सब की बात तो छोड़ दीजिए, जो समाचार के लिए समाचार पत्र कहलाता है वो अभी बड़ा दुर्लभ विषय बनता जा रहा है। तो इन सब बातों में एक समन्वय लेकर के अखबार चले यह भी जरूरी है, पढ़ते हुए संपूर्ण कार्य। कंटेंट को लेकर आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे कि जिस व्यक्ति को मैनेजमेंट की पढ़ाई कराई जाती है वो पत्रकारिता नहीं कर सकता, और जिस व्यक्ति को पत्रकारिता की पढ़ाई करा जाती है वो मैनेजमेंट के गुर कैसे सीख ले? इसके लिए तो उसे फील्ड में उतर के फिर से संघर्ष करना पड़ेगा, एक नया कोर्स उसे फील्ड में खुद की बदौलत सीखना होगा, क्योंकि संस्थाएं इस तरह की पत्रकारिता तो नहीं सिखाती। नहीं, हम तो 40 वर्षों से पत्रकारिता के पठन पाठन और शिक्षण प्रशिक्षण में बड़ी गंभीरता के साथ लगे हुए हैं। जैसा कि आपने देखा, सुरेंद्र प्रताप जी का नाम से यह संस्था संचालित हो रही है और बड़े उच्च स्तर के अध्ययन और प्रशिक्षण की बात हम लोग करते रहे हैं। सवाल ये है कि अखबार को चलाने के लिए प्रेस और मीडिया के जो अन्य अवयव हैं प्रबंधन से जुड़ा हुआ, उसमें तो MBA की जरूरत होगी, होना अच्छा भी है। और अब तो आप मीडिया मैनेजमेंट की बात करते हैं, हम तो कोर्स चलाते हैं मीडिया मैनेजमेंट की। इस डिजिटल युग में, सैटेलाइट युग में, हम डिजिटल मार्केटिंग की भी पढ़ाई कर रहे हैं और वो भी मीडिया का एक अंग माना जा रहा है। तो हमको नहीं लगता है कि एक ऐसे स्टेज पर हम आ गए हैं कि कंटेंट और ये मीडिया का मैनेजमेंट, ये दोनों को बहुत ही अलग करके सोचा जाना अखबार के अस्तित्व पर, उसके सर्वाइवल पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा। तो बात वो नहीं है, बात है कि हम कंटेंट की भी रक्षा करें, कंटेंट में भी हम बढ़ावें उसको, और काम की बातें हो, विकास की बातें हो, सामान्य बातों, मुद्दों से ऊपर उठ के भी अगर जरूरत है हम दर्शन की भी बात करें, अध्यात्म की भी बात करें, तो इसमें कहीं खराबी नहीं है। लेकिन सिर्फ प्रचार पत्र बन के, और जो बड़े शहरों में मेट्रो सिटीज में एड मैगजीन भी छपती है, तो उस तरह का बनने से थोड़ा परहेज जरूर करना चाहिए, यही मेरा जी। बिल्कुल, थोड़ा और आपका वक्त लेंगे, हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे साथ बीबी सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, इनसे जानते हैं कि क्या फर्क इन्होंने महसूस किया है उस वक्त में जब ये पत्रकारिता के क्षेत्र में शुरू शुरू आए थे, और अब किस तरह की स्थितियां बनते देख रहे हैं। बीबी सिंह जी। जी, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जुड़े तमाम दर्शकों को और हम सब पत्रकार साथियों को हिंदी पत्रकार दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपके चैनल को बहुत शुभकामना जो आपने आज हिंदी पत्रकारिता दिवस पर पत्रकारिता के दर्द और जो उसके हालात हैं उस पर आपने एक चर्चा छेड़ने का प्रयास किया है। जी, धन्यवाद आपको भी। जी, हिंदी पत्रकारिता हमारे जो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उसका एक प्रमुख माध्यम है, और मैं महसूस करता हूं कि हिंदी पत्रकारिता में उत्तरोत्तर सुधार होते जा रहा है और इसका प्रसार हो रहा है। अब बात है कि हम इसमें कैसे उत्तरोत्तर सुधार करें और इसके भटकाव को रोक सके। मैं इस दिवस पर यह महसूस करता हूं कि अगर हिंदी पत्रकारिता के भटकाव को अगर हम रोक लें और इसे एक सही दिशा में आगे बढ़ाकर ले चलें, तो मैं समझता हूं ये लोकतंत्र का बहुत ही एक अच्छा, बेहतर, सशक्त माध्यम है, जिसके बदौलत हम आज अपने लोकतंत्र के समक्ष जो समस्याएं हैं उनसे जूझ सकते हैं। बदलाव की बात जहां तक आप महसूस करेंगे जी, मैं 1983 से, मुझे जहां तक स्मरण आ रहा है, मैं सक्रिय रूप से पत्रकारिता में उतरा। उस वक्त और आज की
अखबार और पत्रकारिता की विधा में परिवर्तन आ गया है। पहले के लोग काफी संघर्ष की स्थिति से गुजरते थे, आज सभी साधनों से जुट गए हैं। तो एक सुविधाएं भी बढ़ी हैं, साधनों का जुगाड़ ज्यादा हो गया है, कट पेस्ट की पत्रकारिता भी बढ़ गई है। मूल रूप से हमें ये ध्यान देना होगा कि ये अभिव्यक्ति की आजादी पर निर्धारित आधारित, ये जो धर्म है हमारा अभिव्यक्ति की आजादी पर है। हम अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए स्वतंत्र हैं। दायरा हमारा संविधान और जो हमारा मानहानि का जो एक कानून है उसके अंतर्गत ही हम आते हैं, तो हम पर कोई बंदिश नहीं है। और ये विधा बाई च्वाइस है, इसके लिए कोई आपको नौकरी के लिए नहीं थोप रहा है और न ही आपको कोई मीडिया खोलने के लिए बाध्य कर रहा है जी। ये आपने च्वाइस से किया है, तो हमें तैयार रहना होगा कि हमारे मार्ग में क्या क्या कठिनाइयां हैं, हम उनको कैसे झेलें और अपने आप में इस धर्म के साथ कोई समझौता ना करते हुए कैसे इस पत्रकारिता को प्रभावशाली ढंग से, इसके गौरव को याद करते हुए राजा राम मोहन राय जी के प्रभाव में जुगल किशोर शुक्ल जी ने आज ही के दिन शायद वो हिंदी अपना अखबार क्या उदंड मारतंड की शुरुआत की थी। बिल्कुल। तो ये सारी बातों को अगर हम अपने गौरवपूर्ण इतिहास को ध्यान में रखेंगे तो कठिनाइयां इस मार्ग में तो कठिनाइयों से भरा ही है जी। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जोघर चाहे जार ना चले हमारे साथ, ये नौकरी नहीं है, इसके लिए कोई दबाव नहीं है कि आप पत्रकारिता में आए ही जी। हमारा च्वाइस है, ये मेरा शौक है, अगर हम इसके लिए तैयार हैं तो हमें संघर्ष के लिए आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात कही आपने बीबी सिंह जी कि ये बाई च्वाइस वाला फील्ड है और ये नौकरी के तौर पर अगर करने की कोशिश करे कोई तो उसमें परेशानी होगी। वक्त भी काफी तेजी से बदल रहा है और इन परेशानियों की वजह भी अलग अलग हो जा रही है। मनमोहन सिंह जी के पास चलते हैं। मनमोहन जी, अखबारों की बात हो रही है, अखबारों के पास तो काफी पर्याप्त समय होता है दिन भर की खबरों के लिए, स्थान देने के लिए और तमाम तरह की बातें होती है, लेकिन चैनल्स के साथ एक समस्या हो जाती है कि उनके पास पर्याप्त समय नहीं रहता और खबरें चैनल पर पुरानी हो जाती है। कई दफे इस तरह की बातें सामने आती है कि हमसे कुछ खबरें छूट जाती है, कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक सरोकार से जुड़ी भी खबरें, तो क्या इस तरह की समस्याओं का कोई समाधान है जो पुरानी खबरें हो जाती है? देखिए दीपक, आजकल का जमाना तो फटाफट की खबरों का आ चुका है दीपक, तो अब खबरों के माध्यम से जिस तरह से हम प्रिंट की बात करते हैं और प्रिंट आता और प्रिंट पे हम दूसरे दिन खबर पढ़ते हैं, वो खबर हम इलेक्ट्रॉनिक में एक दिन पहले चला चुके होते हैं। खबरों की भागदौड़ में ये फटाफट खबरें लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है कि लोग दिन भर की लोग 200 खबरें 10 मिनट में आप देख सकते हैं, 5 मिनट, ये खबरों की भागदौड़ लोगों के महत्वपूर्ण को समस्या को रखने के लिए जगह पर बनाई गई है। और हम पुरानी खबरों को देखिए दीपक, खबर पुरानी नहीं होती है, खबर के महत्वपूर्ण को समझा जाए कि एक बंदे जो बंदा खबर लेकर के आया है, जो हमारे रिपोर्टर्स ने खबर करके रखा, उस खबर को महत्वपूर्ण को समझे और उस खबर को चलाने की महत्ता को समझे। यही नहीं दीपक, चुनाव के समय तो ऐसा लगता है कि एक दो राजनीतिक दल ही बस बचे हुए हैं, शेष तो सभा भी नहीं हो रही है। ऐसे बड़े असर चुनाव में पेड न्यूज के कलंक के रूप में भी उसे देखा और सुना जाता है। इसी तरह किसी को बदनाम करने और प्रतिस्पर्धा को हटाने या छवि खराब करने के प्लांटेड न्यूज का सहारा भी लिया जाता है। तो समझ लीजिए खबरें को प्लांट करके स्टिंग ऑपरेशन जैसे खबरें बना दिए जाते हैं। यही नहीं, यहाँ के जो पत्रकार सिपाही चरित्र कैसे बरकरार रह सकता है, केवल आदर्शों से बात नहीं चल पाती, क्योंकि हम अगर आदर्श की बात करें तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, अगर आदर्श पे बात करें तो उस बात नहीं आ पाती, परंतु इस कटु यथार्थ को भी समझना होगा कि अभिन्न रूप से कलम की मौत से जुड़ी होती है, पत्रकार की साख की मौत है, शायद ऐसी स्थितियों में कलम का सिपाही बहुत वेदना झेलता है दीपक, हमें इस बात को समझना पड़ेगा। मुझे लगता है भारत में पिछले कुछ माहों में जिस तरह से सुरक्षा से जुड़े सैनिक व पैरासैनिक सोशल मीडिया से उनकी इकाइयों में बिगड़ती चिंतनीय स्थितियों के बयान करने मुखर हुए हैं, वैसी ही हकम मानवीय संवेदना से संवेदित कलम का सिपाही भी अपने कार्य परिवेश के संबंध में उजागर कर सकता ला सकता है। राज्यों के स्तर पर भी ये हलचलें हो रही है, लेकिन हमें वो हलचल लाने के लिए अपने लिए और अपने परिवेश के लिए सोचना पड़ेगा दीपक। बिल्कुल, हलचल लाए जाने की आवश्यकता है। डॉक्टर उत्तम जी के पास एक बार फिर चलते हैं। उत्तम जी, पत्रकारिता के क्षेत्र में ये जो नए लोग आ रहे हैं, सीख कर आने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसा अभी बीबी सिंह जी ने कहा कि ये फील्ड बाय चॉइस है, लेकिन लोग इसके इस ओर मोहित होकर आ रहे हैं, इस प्रोफेशन के तौर पर ले रहे हैं, क्या इस वजह से परेशानियां हो रही है? मुझे ऐसा नहीं लगता, अगर ऐसी बात होती तो अभी जितने भी मीडिया के चकाचौंध से प्रभावित होकर के, चाहे वो प्रिंट मीडिया के मैगजीन्स हो या समाचार पत्र हो,
या टीवी चैनल चल रहे हैं वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते हैं, लेकिन जो अस्थायी रूप से मीडिया के दोनों पक्ष के लोग काम कर रहे हैं उसमें ये नए लोग अच्छा कर रहे हैं। आज जो पढ़े लिखे लोग जर्नलिज्म की सही में थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेकर के मार्केट में आ रहे हैं उनका व्यवहार और उनकी पकड़ और उनकी समझ, हम समझते हैं कि मुझे पुराने पत्रकारों से और मीडिया कर्मियों से कोई विरोध नहीं करना है, वो बड़े अनुभवी हैं, वो बात सही है, लेकिन ये जो नए लोग आ रहे हैं इनमें कोई गलती नहीं आ रही है, इनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, इनके प्रेजेंटेशन से जो हमारा श्रोता है या दर्शक है वो ज्यादा प्रभावित होने की स्थिति में आ रहा है। जी, मतलब आप कह रहे हैं कि एक वक्त था जब वस्तु स्थिति को सीधे स्पष्ट कर दिया जाता था और अब उसे रोचक और रोमांचक बनाने की कवायद होने लगी है। वक्त हमारे पास कम है, लेकिन एक संक्षिप्त टिप्पणी चलते चलते कौशलेंद्र जी की भी लेना चाहेंगे। कौशलेंद्र जी, कलम के बिक जाने का जो आरोप है वो बेहद दुखदायी होता है एक पत्रकार के लिए, इसका किस तरह से सामना किया जाए? मैं दो पक्ष दो मिनट के अंदर रख लेना चाहता हूं दीपक जी। कि 79 में अंक के बाद जब उदंत मारतंड बंद हुआ तो अंतिम अंक में प्रकाशित पंक्तियां काफी मार्मिक थी, जरा उसे सुन लीजिएगा। आज दिवस लो उग चुको मारतंड उदंत अस्ताचल को जात है दिनकर दिन अब अंत। मतलब देखिए उस समय मार्मिकता थी और उस समय उदंत मारतंड बंद हो गया, लेकिन ऐसा नहीं उसको सकारात्मक ढंग से लिया जाए। उसके बाद कई अखबारें आई, 90 के बाद से हिंदी पत्रकारिता जो है अपने प्रखर रूप में आया, और जब सर्वे INS के द्वारा सर्वे किया गया तो 42 शहर ऐसे थे जहां हिंदी अखबारों को लोग ज्यादा उसमें ज्यादा रुचि दिखा रहे थे। आप हिंदी चैनलों को देखें तो जहां तक कलम के बिक जाने की बात है सवालों का दायरा बढ़ रहा है, चूंकि हमारा दायरा बढ़ रहा है। और आज भी मैं इस चीज को इस बात पे बल देता हूं कि आज भी हमारे घर में जब अखबार आता है तो करीब करीब बुद्धिजीवी जो अखबारों और टीवी चैनलों को लेकर के या पत्रकारों को लेकर के अपनी बातें या अपनी शिकायत रखते हैं उन्हें बिना अखबार और बिना टीवी चैनल के समाचार को देखे उनकी निंद नहीं पूरी होती। बिल्कुल सही, तो ये हमारे जीवन का हिस्सा है और ये रहेगा। जरूरी ये है कि जैसा इरशादुल या मनमोहन जी ने या पूर्व के वक्ताओं ने कहा, उत्तम बाबू ने कहा, जरूरत है संतुलन स्थापित करने की, और बिल्कुल सही है कि ये चॉइस का मामला है, ये कोई नौकरी नहीं है। आज भी अगर कोई चॉइस से आता है तो पत्रकारिता को बड़ा मजे से जीता है। चलिए एक बार फिर हमारे सामने समस्या है समय सीमा की, जो अमूमन न्यूज चैनल्स के साथ रहती है। बहरहाल हम उम्मीद कर रहे थे कि एक सार्थक चर्चा हो और वैसा ही कुछ हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद बीबी सिंह जी, इरशादुल हक जी, डॉक्टर उत्तम कुमार सिंह जी, कौशलेंद्र प्रियदर्शी जी और मनमोहन सिंह जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।